पेशेंट के एंट्री, हाँ न्यू एग्जाम, न्यू एग्जाम ठीक है सर, एग्जाम उसका डेट एंटर करना है। ठीक है, जो भी लिखना नाम लिख ले, ठीक है सर, सही लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सर ये आउटडोर एक अपॉइंटमेंट है, लेके आ रहे हैं। आउटडोर की अपॉइंटमेंट क्या मतलब, किधर से आए हैं सर? सीएम से बात कर रहे हैं। तो बहुत सीएम है जो, उधर अफसर तो नहीं है, कौन है? मेरे फादर है। नहीं, फादर ऑफ सेलर है, सेलर नहीं, एडवाइस इधर से देखो, ये तो अभी चेक करा नहीं न्यूरोलॉजिस्ट के, जो तो मैं यही बताया ना कि ये मंडे वाले दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी ना, मॉर्निंग में छुट्टी है ना सर, काइंडली का टाइम भी वापस में मिल लो अपना, ये इवेंट है इसमें देना है थोड़ा। और डेस्क होल्डर पोस्ट वो कर लेते हैं सर, इसको वो तो मैसेज था यार, किस यस पे रन करने के लिए। अच्छा, उससे अपना हर स्कैन से पहले स्कैनो तो नहीं करेगा ना? करेगा स्कैनो, सबका स्कैनो करना है, उसके बाद ही होगा ये वाला काम। अच्छा, स्कैनो सबका होता है, स्कैनो के बगैर कोई स्कैन नहीं होता। स्कैनो इसलिए करते हैं कि पोजीशन सही है या नहीं है, या इसका एक प्रोटोकॉल है, स्टार्ट ही यहीं से होना होता है स्कैन में। तो स्कैनर में कोई चीज़ अगर नॉर्मल होती है तो सामने आ लेते हैं, स्कैनोग्राम लेते हैं, वैसे ही हमारे में भी होता है। आपने अगला प्लान करना है ना सारा? जी जी सर। तो आपके पास कुछ ना कुछ होगा देखने के लिए तो ही करेंगे। सही बात है, मतलब कोई नॉर्मलिटी भी होगी तो वो हमें शो हो जाएगी स्कैनर में, इसी तरह ये सिंपल हमें रीजन आइडेंटिफाई करना है कि हमने इसके स्पाइसेस जो नेक्स्ट वाले हैं वो कहाँ रखने हैं। ठीक है सर, अगले स्कैन करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस इमेज होता है, बस उससे भी ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। स्टार टी टू पी टी कोरो में तीन और एक एक करते हैं हमें, एक एक्सिस कर लेते हैं आप सेल्टल और तीन कॉर्न। कोरो के टेस्टों के हिसाब से नहीं करते, जहाँ वैसे कर रहे हैं ना इसके, तो कोरो की बुलाने या कोरो की पहले खाने में नहीं रखते ये, जैसे आपका हाथ सेट आप कर सकते हैं नहीं होते इनसाइट, आपके पास तीनों नजर आने चाहिए इनसाइट में, फिर वो आप चेंज कर सकते हैं जो आपको जैसे इजी लगता है। आपके पास जो तीनों है ना, ये आपके व्यूइंग बॉक्स, इसमें पहले बॉक्स में वो नहीं होना चाहिए जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा करने तो बेहतर है, ना भी हो तो कोई इतना इसका इशू नहीं है, वो इनसाइट में नहीं आता जो वो आप जब फिल्मिंग करते हैं ना, तो उसके ऊपर से आप सेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। सर ये जो एफ वी है, ये आप कॉइल के हिसाब से रखते हैं या कॉइल के हिसाब से होती है ना? इसमें रेस्ट स्लैब का बड़ा रोल होता है। अच्छा, चेस्ट की तरफ से आठ रेप्स आ रहे होते हैं, चेस्ट वॉल मूव कर देती है जी, लंग्स मूव कर रहे हैं, तो इसलिए आपने लेटरल चेस्ट की साइड पर लगाना है इसका, ताकि उधर से आने वाले आठ रेप्स कंट्रोल में रहें, वो टांग में रहें। ये तीन मिनट का चलने जा रहा है, स्टार है आपका, इसको कम करेंगे तो आपका स्कैन खराब होगा। तीन भी नहीं, तीन से ज़्यादा नहीं, तीन तीन मिनट बीस सेकंड इतना एक्सेप्टेबल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एम एस के स्कैन है थोड़े लंबे होते हैं ओवरऑल, ये आपका मैक्सिमम 25 मिनट का भी नहीं होगा।
अगर इसके ये ऑप्शन छोटा आपने किया एक्सियल जो हमारा साइट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर बिल्कुल सेंटर में हुआ तो ज़्यादा बेहतर है। ये सेंटर में आप इसको थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर सकते हैं, मजीद कर लें इसको फोकस। अब इस सीक्वेंस का चल रहा है ना सर, ये जो लाइट ब्लू है शोल्डर 8 से 10 मिनट में हो रहे उसको सीमन उस पे आपके जो सीक्वेंस है ये जो इधर इनको चाहिए होते हैं मुझे ही सीक्वेंस चाहिए। पीडी हम एग्जीव करते हैं, पीडी है स्टार है ये सर, पीडीएफ से एग्जीव हो रहा है स्टार पे पीडीएफ है, देखिए पीडीएफ से एग्जीव कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद पीडीएफ से एग्जीव एक ही कर रहे हैं बस, कॉर्नल जो है वो आप पीडी कर रहे हैं और स्टार कॉर्नल कर रहे हैं। ठीक है जी, टी टू ना कर रहे टी टू ही कर रहे हो टी टू नहीं करने, ये करने टू टी टू नहीं करने हाँ पी डी एफ एस एक्जी आ गए। उस तो बाद तुम करने जनाब सैजिटल पी डी तो पी डी एफ एस बस पी डी एफ एस बस कर रहे हैं ना पी डी एफ एस जो एफ एस खत्म कर देंगे तो एफ एस बन जाएगा पी डी एफ एस कर रहे हैं ना देखो कर्नल टी टू में अंदर कर्नल टी टू में ऐसी नहीं कर रहे हैं मैं पहले बंद कर दिया सर सॉरी ठीक है टी बंद कर दें टी बंद कर दें जी मैं चेक कर चेक कर गया और उसी ट्राई कर देने कोरो जो इतना पता है पीडी कॉर्नर